केवल आम जन के बीच जनसंवाद करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने न केवल सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी बल्कि आम जन की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हम जो इतनी योजनाएं नई नई बना रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के काम कर रहे हैं और हर चीज में हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जनता को कितना इसका लाभ हुआ है, ये फीडबैक एक यानी फीडबैक लेना एक हमारा मकसद है। उसमें बहुत ही एक आनंद का विषय है कि हर चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज की अपने आप ऑटोमेटिक पेंशन बनने की बात है, ये सारे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को इन योजनाओं का जिनको जानकारी नहीं होती, वो भी हमें जानकारी होती है तो हम उसकी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने कैंप लगाएंगे ताकि इन चीज़ों का लाभ लोगों को मिल सके। अगर किसी की शिकायत होती है तो तुरंत हम ADC को अथवा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उसी समय बताते हैं ताकि उन समस्याओं को हल निकालें। हमें लोगों की सहायता करके और ऑनलाइन गुड यानी गवर्नेंस के नाते से जो जो काम हमने किए हैं उसका लाभ लोगों में पहुंचता देख करके हमको एक आनंद आ रहा है। यानी सरपंचों का ये ई टेंडरिंग का जो विषय है, और कितनी बार आप लोगों ने भी उसमें देखा होगा कि विपक्ष कभी कुछ हाथ उठाता है, कभी कुछ बात करता है, यानी सामने जनता में बैठे हुए लोग कितना समर्थन कर रहे हैं। और इवन सरपंच भी यहाँ कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सरपंच ये कहता हो कि हाँ मैं जो है ई टेंडरिंग के विरोध में हूँ। अब सब लोग ई टेंडरिंग पर आने के लिए तैयार भी हो गए, सब ने अपने रेजोल्यूशन भी पास कर दिए हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई 5-10% ऐसे सरपंच होंगे भी सही, तो 90% या 95% सरपंच एक तरफ हो जाएंगे, तो 5% भी जनता के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी एक गांव का सैंपल हमने लेकर के उसका एक एनालिसिस करेंगे और जब एक गाँव में कोई रिजल्ट हमको मिलेगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि आखिर हमको जनता को वो सेवा देनी है जिसका जनता को लाभ हो। जनता को लाभ नहीं है और उसका बहुत बड़ा एक पैसा अगर खर्च होता है तो जनता को लाभ क्यों नहीं हो रहा। पहला काम तो इसी पर हम काम करेंगे कि आखिर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आंगनवाड़ी खोली गई है उनका लाभ जनता तक पहुंचे। बच्चों का जो हाइजीन का मामला है, बच्चों का जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो खुराक मिलती है वो उनको पूरी पहुँचे। अभी शिकायत ये थी कि वहाँ कोई चीज़ पहुँचती नहीं है, केवल नाम उनके जुड़े होते हैं। हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आंगनवाड़ी का बेसिक सिद्धांत गलत नहीं है। आंगनवाड़ी का बेसिक सिद्धांत यह है कि गरीब परिवारों में बच्चों का उनका जो राशन है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो पूरा मिलना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो सके। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो कमियां उसको ठीक करें। कहीं कॉलेज हो गया, कहीं तालाब की बात है, कहीं फिरनियों की बात हमने कह दी है, कहीं स्कूलों को अपग्रेड किया है, कई सड़कें हमने दी हैं, कई हमने नई बसों को शुरू करने की बात कही है। जो काम हमको तुरंत लगा, एक रेन्यूएबल योजना 200 करोड़ रुपए की, इससे बड़ा कोई और विषय हो नहीं सकता है। तो ये कोई एक प्रोजेक्ट का विषय नहीं है, मिसलेनियस जितनी भी बातें हमको ध्यान में आ रही हैं, और मैं समझता हूँ 3 करोड़ में कई 100 करोड़ रुपए की जो योजनाएँ हैं वो पलवल जिले में ज़रूर हम घोषणा करके जा रहे हैं तो पूरी कराएंगे।